एकदम कैसे हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करेंगे। और आज हम टॉपिक हमारा है कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम, मसला तरकीब और तफसील नस्बत। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है पार्ट नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 3p डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3p प्लस एक्स प्लस 3q डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3q If x equal to 6pq divided by p-q, इसमें ये हमें गिवन है x की वैल्यू, इसको हम यूज करेंगे और हम टू फ्रैक्शन का सम लोग करेंगे। गिवन है x equal to 6pq divided by p-q। अब हम इसको पेयर बनाएंगे, हमें इधर किसकी जरूरत है 3 की, तो हम इसका पेयर बना लेंगे 2 3 बार 6 और p माइनस क्यू एक्स बराबर आ गया। अब हम 3 को p के साथ पेयर बनाएंगे और 2 का q के साथ p माइनस क्यू। इधर हमें 3p चाहिए नीचे, तो 3p मल्टीप्लाई इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो इधर आ गया 2q डिवाइडेड बाय p माइनस क्यू। अब इधर हम लगाएंगे यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम क्या होता है? उसकी स्टेटमेंट यह है, मसला तरकीब और तफसील नस्बत। वो कैसे होता है? ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस करते हैं, एक मरतबा उसको लिखते हैं ऊपर, और एक मरतबा ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करते हैं, उसको लिखते हैं नीचे। फिर इधर आ जाए 2q में नीचे वाली को प्लस किया तो पी माइनस क्यू, फिर 2q को नीचे वाली में जब माइनस करेंगे तो ये तो प्लस वाली थी, ये हो गई माइनस, और ये माइनस वाली थी तो ये हो गई प्लस। x प्लस 3p डिवाइडेड बाय x माइनस 3p इक्वल आ गया। इधर ये 2q में से q माइनस कर दिया, सिर्फ रह गया q प्लस p इन दोनों को, और इधर 2q और ये 1q प्लस किया तो आ गया 3q माइनस p। अब हम इधर x माइनस वाली चाहिए, वो ऊपर है प्लस वाली चाहिए, इधर हमने रकम को उल्टा देना, नीचे वाली ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली नीचे, तो इधर हमारा आ गया 3q माइनस पी ऊपर चली गई और q प्लस पी नीचे आ गई, तो इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब इधर फिर आते हैं गिवन डैट, अब दोबारा इस x की वैल्यू यूज करेंगे, x की वैल्यू है 6pq डिवाइडेड बाय p माइनस q, तो x आ गया 2 मल्टीप्लाई 3pq डिवाइडेड बाई पी माइनस क्यू, एक्स बराबर हमें 3q की जरूरत है। अब हमने 3 का q के साथ पेयर पढ़ाना है, पहले लिखना है, और 2 का p के साथ डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू। अब हमें चाहिए 3q, इधर मल्टीप्लाई हो रही है तो नीचे आ गया, हो जाएगी डिवाइड, इधर आ गया 2p डिवाइडेड बाय पी माइनस क्यू। अब इधर फिर दोबारा लगाएंगे यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, मसला तरकीब और तफसील नस्बत की रूह से, तो यहाँ को इस्तेमाल करते हुए ऊपर वाली में से नीचे वाली को प्लस किया, ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस, 2p ऊपर वाली में नीचे वाली को प्लस किया तो p माइनस क्यू आ गया, और जब ऊपर वाली में नीचे वाली को माइनस करेंगे तो ये प्लस की थी माइनस हो गई, और ये माइनस की थी तो ये हो गई प्लस। x प्लस 3q डिवाइडेड बाय x माइनस 3q इक्वल आ गया 2p और 1p 3p माइनस क्यू, और 2p में से p निकाल दें p प्लस क्यू, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को करना है ऐड, क्योंकि इधर हमने प्लस का साइन है, दोनों को सम लेना है। इधर लिखेंगे एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। जब ऐड करेंगे लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में। लेफ्ट साइड क्या है? एक्स माइनस 3p ओवर एक्स प्लस 3p प्लस एक्स प्लस 3q डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3q इक्वल। अब राइट साइड 3q माइनस p डिवाइडेड बाय q प्लस p प्लस 3p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। अब हम थोड़ी सी तरतीब लगा लें, 3q माइनस p, इधर p पहले, तो इधर हम p पहले लिख लेंगे,
दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हो गया सेम। अब लेंगे एलसीएम, तो पी प्लस क्यू दो मतलब एक मतलब कॉमन ले लिया तो ऊपर वाली सेम आ गई, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। प्लस थ्री पी माइनस क्यू, अब आपने थ्री पी माइनस पी लिख रहे हैं तरतीब से, और प्लस थ्री क्यू के साथ माइनस क्यू, नीचे आ गया पी प्लस क्यू। इधर थ्री पी में से पी निकाल दें टू पी, और थ्री क्यू में से क्यू निकाल दें टू क्यू, तो ऊपर से आ गया टू कॉमन पी प्लस क्यू, और नीचे भी है पी प्लस क्यू, तो ये पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू कट गया तो टू आ गई वैल्यू, तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है उसका रिजल्ट आ गया एक्स माइनस प्लस थ्री क्यू एक्स माइनस थ्री क्यू, ये हमारा आज का आंसर। ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ लग सके कैसी वीडियो बनी है, और इसमें कोई भी आपको सवाल हो इसके मुतलक तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार दबाए हैं तो चैनल को बढ़ करके सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।